हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के गर्ल VFX वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो शूट करना होगा कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन में। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है लास्ट का एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू आपको राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो हमारा स्लो हो जाता है वो स्लो नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप पे आना है। यदि आपको इस ग्रीन स्क्रीन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको शूट हो गया हुआ है कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं आपको साइड में ऊपर में आपको कुछ ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसे हम कुछ इस तरह से क्रॉप कर देते हैं। अभी भी क्रॉप नहीं हुआ है तो फिर से हम क्रॉपिंग पर आएंगे और इसको कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल इनेबल करना है और कलर की पे आना है और आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिमूव तो हो गया लेकिन सही से रिमूव नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी से एडजस्ट आपको कर सकते हैं। सिंपल शो मास्क पे क्लिक करना है और आपको जो बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन दिख रहा था उसे आपको कुछ इस तरह से ब्लैक कर देना है। आपका बॉडी जो है कुछ इस तरह से आपको यहाँ से वाइट कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान से एडजस्ट करना होगा। तो वहाँ पर देख सकते हैं लगभग मैंने एडजस्ट कर दिया। और एडजस्ट करने के बाद डन करेंगे, इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करेंगे तो वीडियो आपको देख सकते हैं काफ़ी छोटा बड़ा हो चुका है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, इसे ऑफ करते हैं, फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ से जूम करने के बाद सही से आपको यहाँ पर एडजस्ट आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद डन करेंगे, इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट भी कर सकते हैं। यदि आपको स्टार्टिंग का पार्ट एक्स्ट्रा है कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, अगर लास्ट का पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को भी आप रिमूव कर देंगे। जब फाइनली अब आपका वीडियो प्ले होगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आप अपने वीडियो को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, आपको काफ़ी ध्यान से यहाँ पर एडजस्ट करना है, जूम इन जूम आउट कर काफ़ी ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपको इस साइज़ में आपको एडजस्ट कर देना है। अब आपका वीडियो फाइनली आपका तैयार हो चुका है। इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंस व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके वीडियो में और इस ओरिजिनल वीडियो में दोनों वीडियो में साउंड ऐड है तो सिंपल एक वीडियो के साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो आपका जो वीडियो है आपने जो शूट कर रखे ग्रीन स्क्रीन में उस वीडियो को आपको साउंड को म्यूट कर देना है। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।